वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज़। हमने हिस्ट्री के अभी दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या होता है, पहले मीनिंग देखें इंडस्ट्रीज़ का। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है, एक फर्म है, एक कंपनी है, मान लीजिए वो कपड़ा बनाती है, ठीक है, कोई भी ब्रांड ले लीजिए, लाइक एडिडास का कपड़ा बनाती है, ठीक है, वो एक फर्म है, वो एक कंपनी है। जितनी भी कंपनियां कपड़ा बनाती हैं, सारी जितनी भी, चाहे वो एडिडास है, चाहे कोई लोकल कंपनी है, कोई ब्रांड नहीं है, वो सारी मिलकर क्या कहलाती हैं, क्लोथ इंडस्ट्री, ठीक है। यानी कि वो क्या है, एक लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, क्लोथ से रिलेटेड जो भी काम, जितने भी फर्म्स हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आ जाएंगी। मेरी बात समझ रही है ना, कि एक सारी फर्म, सिमिलर नंबर ऑफ द फर्म्स को क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। चैप्टर आपकी बुक से ही रीड आउट कर रही हूँ, आप अपनी बुक सामने रखिएगा और एवरी लाइन मैं आपकी बुक से ही चैप्टर रीड आउट करके एक्सप्लेन करूँगी। हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू द फैक्ट दैट द नोटबुक यू यूज फॉर राइटिंग हैज़ कम टू यू आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कि जो नोटबुक आप यूज़ कर रहे हो वो बहुत लंबे प्रोसेस के बाद आपके पास आई है। इट हैज़ स्टार्टेड इट्स लाइफ एज अ पार्ट ऑफ अ ट्री, इट वॉज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल। मतलब कि ट्री को काटा गया, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भेजा गया। देयर द वुड ऑफ ट्री वॉज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प, द वुड पल्प वॉज मिक्सड विद केमिकल्स एंड फाइनली चेंज इनटू पेपर बाय मशीन। और फिर उसको मशीन से पेपर में चेंज किया गया था। दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू प्रेस वेयर इंक वॉज मे इंक मेड फ्रॉम केमिकल वॉज यूज टू प्रिंट द लाइन ऑन द पेजेस। द पेजेस वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ नोटबुक एंड अ पैक एंड सेंड टू द मार्केट फॉर सेल, फाइनली इट रीच योर हैंड्स। मतलब कहाँ से, ट्री से शुरू होकर जब नोटबुक हमारे पास आई है तो कैसे कैसे प्रोसेस से गुजर के आई है, वो सारा क्या आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये चेंजेस कैसे आते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है चेंजेस में, वो आपको यहाँ पर बताएंगे। सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस रॉ मटेरियल इंटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। यानी कि ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ी होगी कि जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं, वो प्राइमरी एक्टिविटी होती है। जब वहाँ से आप फिनिश प्रोडक्ट में किसी चीज़ को चेंज कर देते हो, वो सेकेंडरी एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है। और आप तक पहुँचाना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आप तक जो सर्विस मिलती है, जो पहुंचाना है, वो कौन सी इंडस्ट्री की बात आती है, टर्शरी सेक्टर या फिर टर्शरी एक्टिविटी या सर्विस सेक्टर की बात आती है। चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स और मोर वैल्यू टू पीपल। एज यू हैव सीन, पल्प वॉज चेंज इनटू पेपर एंड पेपर इनटू अ नोटबुक। दीज रिप्रेजेंट द टू स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। द पेपर मेड फ्रॉम द पल्प एंड द क्लोथ मेड फ्रॉम द कॉटन हैव हैड वैल्यू एडिड टू दम एट ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी वैल्यू एडिड का क्या मतलब है, देखिए जैसे आप कॉटन लेके आए हैं खेतों से, ठीक है, उसको जब आपने थ्रेड्स में, क्लोथ में आपने चेंज किया, तो आपका कुछ खर्चा तो लगा होगा ना, मशीन लगी होगी, लेबर लगी होगी। अगर वो कॉटन 100 रुपये की थी तो खर्चा लगाकर अब वो जो क्लोथ बना है वो क्या होगा, वो 150 रुपीज़ का पड़ गया, बिकॉज 50 रुपये उसके चेंजेस में क्लोथ लगी। ये होता है वैल्यू ऐड करना। इन दिस वे द फिनिश प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इट इज़ मेड फ्रॉम। रॉ मटेरियल से ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है, फिनिश प्रोडक्ट की होती है। इंडस्ट्रीज रेफर टू इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विस। दिस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कोल एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज सर्विस प्रोवाइडर। मतलब कि इस तरीके से आपको इंडस्ट्री का मीनिंग समझाया हुआ है। आगे देखिए आपको क्या बता रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। एक क्लास में आपको बताया है कि इंडस्ट्रीज किस तरीके से क्लासिफाइड की गई है। रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्री में भी एग्रो बेस्ड, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड भी जिसको बोला जाता है, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल द यूज। मतलब किस तरीके का प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं, उस तरीके का रॉ मटेरियल हम यूज़ करेंगे। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल। मतलब एग्रो बेस्ड कौन सा यूज़ करती हैं, प्लांट और एनिमल से बना हुआ प्रोडक्ट अगर कोई वो बना रहे हैं तो एग्रो बेस्ड है। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट एंड लेदर इंडस्ट्री आर एग्जाम्पल ऑफ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इनका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से, प्लांट्स या फिर एनिमल से ही आता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ओर एज देयर रॉ मटेरियल। द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। आयरन मेड फ्रॉम द आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ द
मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब मिनरल आयरन ओर से आयरन निकलेगा ना, अब उस आयरन से आप कुछ भी बना सकते हो, यूटेंसिल्स भी बना सकते हो, आयरन शीट भी बना सकते हो, गाड़ी भी बना सकते हो। तो ये क्या है, ये भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है, मतलब कि आपने वहाँ से मिनरल्स को लिया है, ये आपकी इंडस्ट्री का बेस जो है वो मिनरल्स हैं। दिस इज़ यूज एज रॉ मटीरियल फॉर द फॉर द मैनुफैक्चरिंग अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज अ हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटीरियल, रेलवे कोचेज। मरीन बेस्ड इंडस्ट्री यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड द ओशियन एज अ रॉ मटीरियल। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड फॉर मैनुफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जाम्पल्स। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटीरियल्स। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, फार्मेटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। मतलब कि जो लकड़ी या फॉरेस्ट से जो चीज़ें आती हैं उन पर जो बेस्ड इंडस्ट्री, उनको फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री बोला गया है। यहाँ तक हमने क्या किया है, इंडस्ट्री के टाइप्स कर लिए हैं और हमने इंडस्ट्री को समझ लिया है, यानी चैप्टर शुरू हो गया है और आपको बहुत सारे जो टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज है वो समझ में आ गए हैं। तो वेरी फर्स्ट वीडियो है आपका, नेक्स्ट जो होगा हमारा चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे।